आदाब सलाम नमस्ते, मैं हूँ गरिमा और मैं गोवा से हूँ। पर मैं आज जो बनाने वाली हूँ वो गोवन डिश तो बिल्कुल भी नहीं है, वो टोटल ऑथेंटिक पंजाबी डिश है। और जैसे कि हमें हेल्दी फूड बनाना है तो दिस इज गोना बी वन ऑफ माय मोस्ट प्रेशियस रेसिपी जिसमें ऑयल एक बूंद भी नहीं है। सो यस, यू हर्ड इट राइट, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल। सो दिस इज ऑयललेस छोला। एंड हेल्दी फूड के मामले में आपको लगेगा कि मैं शायद राइट चॉइस नहीं हूँ बनाने के लिए, बट आई थिंक देयर आर टू बिल्कुल ऑपोजिट मैं आपको कारण दे सकती हूँ। एक तो ये कि क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मुझे मालूम है कि हेल्दी होना कितना जरूरी होता है और इसीलिए मेरी रेसिपीज बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। सेकेंड थिंग, दुनिया में एक बहुत रॉन्ग नोशन है कि जो दुबले होते हैं वो हेल्दी होते हैं। वेल, आई डोंट बिलीव इन दैट। दुबले लोगों को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो मोटापा या दुबलापन डिसाइड नहीं करेगा कि आप हेल्दी हैं या नहीं। सो इन दैट केस मैं पेश करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक है, खाने का शौक है, खिलाने का भी शौक है, और आज मैं बना के खिलाऊंगी। सो लेट्स गेट गोइंग। दिस इज ऑयललेस छोला जैसे मैंने कहा। तो सबसे पहले तो आई एम गेटिंग रेडी फॉर दैट। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मैं आपको आइए उनको आपसे मिलवाती हूँ। ये है करीबन एक पाव छोले जिसको मैंने रात को भिगाए थे। नॉर्मली 8 घंटे 7 घंटे भिगाना चाहिए नॉर्मल पानी में, और उसको मैंने पानी से निकाल लिया, पकाया नहीं है। ये है तकरीबन 2 प्याज कटे हुए। मैं 2 प्याज नहीं बोलना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि इसको बोलूँ मैं आधा कटोरी, क्योंकि 2 प्याज में कुछ बड़े भी हो सकते हैं, कभी छोटे भी हो सकते हैं। तो लेकिन जितना भी आप प्याज लें उससे थोड़ा ज़्यादा आप लेंगे टमाटर, तो यानी अगर ये आधा कटोरी है तो ये 3/4 कटोरी टमाटर है। दोनों को मोटा मोटा चॉप करके रखा हुआ है। हरा धनिया है, ये कुकिंग के टाइम के लिए, गार्निश के लिए अलग होगा। ये कुटा हुआ लहसुन है, कुटा हुआ अदरक है, दोनों 2-2 टेबलस्पून है। 2 हरी मिर्च है, ये ऑफ कोर्स आपकी चॉइस के हिसाब से हो सकती है, आपको कम लगे ज़्यादा लगे उस हिसाब से। ये छोला मसाला है, पर इसके बदले एक टिप जो मेरी है वो मैं बनाते टाइम आपको दूंगी। साथ में है ऑब्वियसली नमक स्वाद अनुसार जो डलेगा, फिर है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और खड़े गरम मसाले जिसमें हैं बेलीफ यानी तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर में आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमने तेल तो डाला ही नहीं है, सीधा हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। साथ के हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। इसी में डलेगा 2 चम्मच कुटा हुआ लहसुन। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें, कई लोगों को लहसुन नहीं पसंद आता है, पर अदरक ज़रूर डालें क्योंकि अदरक छोले का स्वाद ज़रूर बढ़ाता है। और इसमें मैंने कुटा हुआ अदरक लिया है तकरीबन 2 बड़े चम्मच, और एक बार इसको मैं हिला दूँ, उसके बाद इसमें और चीज़ें डलेंगी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हरा धनिया हम कुकिंग टाइम के लिए ले रहे हैं, तो ये करीबन 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये भी इसी में डाल देंगे। साथ में हम इसी में डाल देंगे 1 हरी मिर्च, ये भी हमको अगर काटना नहीं है, बड़ा बड़ा मोटा कर दिया। इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही हल्दी पाउडर, ये मैंने करीबन 1 टेबलस्पून लिया है, आप कम ज़्यादा आपके हिसाब से कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हल्दी और छोले मसाला, अब इनको अच्छे से मिला देते हैं। इसमें मैंने अभी तक खड़े मसाले नहीं डाले हैं, ये डाल दिया सब इसमें। और खड़े मसाले के लिए
मेरे पास एक ट्रिक है, ताकि कई बार क्या होता है कि बच्चों के मुंह में जब आता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, या इवन बड़े लोगों के मुंह में अगर दालचीनी आ जाती है या लौंग आता है तो एकदम स्वाद तेज कर देता है, तो उसकी एक पुड़िया बना के इसमें डाल देंगे और जब कुक हो जाएगा तो पुड़िया हटा देंगे, फ्लेवर सारा उसका जो खड़े गर्म मसाले का है वो इसमें आ चुका होगा। तो मेरे पास एक सिलिकॉन की पुड़िया, दालचीनी ऑफ कोर्स हम लोगों को इजीली हम निकाल पाएंगे तो दालचीनी ऐसे ही डाल देती हूँ। ये पुड़िया में मैंने डाली है अभी बड़ी इलायची, साथ में डाल देती हूँ दालचीनी, और इसी में डाल दूँगी लौंग और काली मिर्च, और ये बाद में हम इसमें डाल देंगे और जब कुक हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी पुड़िया हम निकाल देंगे, फ्लेवर इसके जो सारे हैं वो छोले के अंदर या मसाले के अंदर आ जाएंगे। रेडी हो गए, इसको ऐसे डाल दिया, साथ में हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी और इसको कर देंगे एक बार खिला के बंद, और इसमें हम लगाएंगे तकरीबन, ये मेरे लिए सीटियां बजाएगा और मुझे सीटियां सुनने की आदत है क्योंकि अभी भी लोग सीटियां बजाते हैं, मैं कुकर की कम से कम 4 सीटी सुनना चाहूँगी, तो जब तक 4 सीटियां बनती हैं सुनाता है ये, मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ। तो यस, आई एम फ्रॉम गोवा, पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है, मैंने MBA किया है गोवा से, और खाने का शौक बचपन से ही था, फ्रेंड्स के टिफिन में जितने चीज़ आती थी रेसिपीज़ उनसे पूछ के, उनकी मदर से मांग मांग के ट्राई करती थी, एक्सपेरिमेंट करती थी, कभी कभी एक्सपेरिमेंट अच्छे हो जाते थे तो लिख लेती थी, फिर शौक क्या बना बना के फ्रेंड्स को खिलाना शुरू किया, डिलाइटेड, सो वो थोड़ा एक मोटिवेशन था। वैसे मोटिवेशन वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, एक तो मोटी और वेट, बट इट्स ओके। एंड यस, संजय कपूर जी हमेशा से ही लाइक ही हैज बीन वन ऑफ माई फेवरेट एंड इट इज माई ड्रीम टू मीट हिम। मतलब हम लोग खाना खजाना देखते हुए ट्राई करते थे रेसिपीज राइट फ्रॉम, मतलब दैट टाइम एक इच्छा है उनसे मिलने की। और सारांश गोयला साहब, आपके तो रेसिपीज जो हेल्दी वाला ट्विस्ट आप देते हैं, आई डू कीप फॉलोइंग देम, और उनसे भी बहुत इंस्पायर होती हूँ, मैं भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो आपसे भी मिलने की बहुत एक इच्छा है। एंड अब मैं वेट करती हूँ कि ये मेरे लिए कितनी सीटियाँ बजाता है और कितनी देर में बजाता है। सो 4 सीटियाँ बज चुकी हैं, हमने हीट को बंद कर दिया है। नाउ व्हाट विल डू इज विल लेट इट कूल डाउन, क्योंकि जो इसको अगर ऐसे खोलेंगे तो वो खुलेगा नहीं पहली चीज़, तो इसको भाप में थोड़ी देर और पकने देते हैं। वंस इट कूल्स डाउन आई विल ओपन इट और मैं आपको दिखाऊंगी कि वो प्याज टमाटर वो कितना गल चुका है। उसको ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा सा पीसेंगे, ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको मैश कर सकते हैं, आप चाहें तो मिक्सर में थोड़ा सा मोटा चर्न कर सकते हैं, बेसिकली हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो मैं आज सिर्फ मैश करके आपको बताती हूँ, थोड़ा रस्टिक सी फीलिंग होगी उसमें, और इसके इसको हटाने के बाद इसमें हम छोले डालेंगे और छोलों को पकाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग नेक्स्ट, सो इसको लेट इट कूल डाउन एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। तो अब आप देख चुके हैं कि भाप इसकी निकल चुकी है, अब हम इसको खोलते हैं। ऑलराइट, इसका जो मैंने कहा था कि हमारे खड़े गरम मसाले हैं वो मैं हटा देती हूँ, और साथ में जो तेज पत्ता है वो आप चाहें रखना तो आप रखिए, वरना निकाल दीजिए। और आप देखें तो ये पूरा एक मैश कंसिस्टेंसी बिल्कुल पक गया है, अच्छे से ये गल चुका है, तो इसको मैं और थोड़ा सा मैश करूँगी। जैसा कि मैंने कहा कि आप इसको मिक्सर में चर्न कर सकते हैं अगर आप इसका पेस्ट बनाना चाहें, वरना ये अच्छा खासा गल चुका है। इसको अच्छे से मैश करते हुए प्याज टमाटर हरा धनिया अदरक लहसुन खड़े मसालों का फ्लेवर ये सब जो इसमें आ चुका है, हल्दी भी है, छोला मसाला, नमक सब डाल चुका है। जो मैं आपको एक टिप बताना चाह रही थी वो ये है कि कभी किसी ने डाला नहीं है पर मैंने एक बार कोशिश की थी और उससे ये टेस्ट बहुत एनहांस हुआ था। मैंने इसमें पानी पूरी का जो मसाला होता है रेडीमेड मसाला वो मैंने इसमें डाल दिया था, और उससे जो स्वाद इसमें बढ़ा है क्योंकि उसमें पुदीने का फ्लेवर, जीरा पाउडर का फ्लेवर, बाकी जो अलग काला नमक वगैरह जो था, एकदम उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया था। ये बिल्कुल हमारा मैशी कंसिस्टेंसी हो गया है। आप के बच्चे अगर नहीं खाना चाहें इस तरीके का या मुंह में आता है तो आप उसको पेस्ट बना लीजिए मिक्सर में। ये मैं अभी निकाल के रख रही हूँ क्योंकि इस कुकर का इस्तेमाल मैं दोबारा करूँगी छोले पकाने के लिए।
कुकर में मैं छोले डाल दूंगी। मुझे इसको धोने की जरूरत नहीं क्योंकि एनीवे ये छोले का ही मसाला है। आप चाहे तो दूसरे कुकर में साइमल्टेनियसली भी पका सकते थे ताकि टाइम सेव हो। ये जैसे मैंने कहा था ये करीबन एक पाव चने हैं जिनको नॉर्मल पानी से धो के अच्छे खासा भिगा दिया था। इसमें मैं अलग से नमक डालूंगी क्योंकि इसमें तो है मसाला लेकिन छोले के अंदर भी नमक जाना चाहिए, तो तकरीबन एक चम्मच नमक, साथ में इसमें पानी जितना ये भीग जाए उतना। और इनको भी मैं मेरे लिए सीटी बजाने के लिए कहूंगी, तकरीबन 4 सीटी इनसे भी मुझे सुनना है। तो मिलते हैं 4 सीटी के बाद। ये मेरे लिए सीटी बज चुकी है, अब इसकी हीट हम ऑफ करते हैं और अगेन जैसे हमने पहले किया था इसको थोड़ी देर भाप में पकने देते हैं। इसकी भाप जब निकल जाएगी, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको खोल के देखेंगे। अगर छोले अच्छे से गल चुके हैं तो परफेक्ट, नहीं तो हम इसको और एक दो सीटी लगाएंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाप इसकी निकल चुकी है और देखते हैं छोले हमारे, हाँ जी बिल्कुल गल चुके हैं। गले हैं कि नहीं का एक और तरीका है कि आप इसको मैश करके देखिए आराम से, अगर ये मैश हो रहा है तो या नहीं गल चुका है या फिर गर्म है, लेकिन आप कोशिश करिए इसको दबाने की। तो ये दब रहा है, तो दिस इज़ व्हाट वी वांट, यानी ये पक चुका है प्रॉपर जिस तरीके से हमें चाहिए। तो हम इसको भी मैश करेंगे अच्छे से, इसको छोले को मैश करना है। और अब हम क्या करेंगे कि हम मिक्सर में थोड़ा सा, ताकि ये ग्रेवी और ये मिक्स हो जाए और थोड़ा सा थिक हो जाए, हम क्या करेंगे कि इसके थोड़े चने लेकर मिक्सर में डालेंगे और साथ ही ये जो मसाला हमने पीसा था ये मसाला भी हम इसमें डालेंगे और दोनों को अच्छे से एक बार का मिला के लाते हैं। सो, बाकी का जो मसाला है ये हम बाकी छोले में डाल के पकाना शुरू कर देते हैं। इनको वापस से एक साथ इनकी जोड़ी बनाते हैं, इनका मेल जोल कराते हैं, दोस्ती जब तक इनकी होती है तब तक बाकी की चीज़ें हम मिक्स करके लाते हैं फटाफट। तो ये देखिए हमने इसको पीस लिया है और ये जो मोटा पीसा हुआ पेस्ट है मसाले और चने का ये हम डाल देते हैं, तो हमारे छोले भी इसमें थिक हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल के घुमाते हुए फिर उसमें डालेंगे ताकि छोले हमारे बिल्कुल ड्राई कंसिस्टेंसी के ना हो। आपको याद होगा ही कि हमने इसमें एक बूंद भी तेल नहीं डाला है, तो ये हमारे ऑयलेस छोले बन रहे हैं बिल्कुल। मसाले बाकी के बिल्कुल छोले वाले हैं, बाकी सारी चीज़ें पड़ी हैं सिवाय बस वो जो तेल है और जो भूनना है वो नहीं है। ये जब एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तो हमारे छोले तैयार होंगे गार्निश एंड टू सर्व विथ नाउ। तो लीजिए जनाब आपके ऑयल लेस छोला, मतलब लेस ऑयल भी नहीं, बिल्कुल ऑयल फ्री, नॉट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल वाले छोले तैयार हैं। और इसको हम गार्निश करते हैं हीट से निकाल कर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट इट इन अ बोल और उसके बाद थोड़ा बहुत साज सवार देंगे इसको, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो पहले आँखों से जब तक टेम्प्ट नहीं होंगे तब तक हमारे जीभ पे लार नहीं आएगी और हमारे खाने का मन नहीं होगा। सो वी नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन दिस। ये हमारे छोले सर्व हो रहे हैं। इसके लिए अब मैंने प्याज कुछ काट के रखे थे तो इनकी रिंग्स निकाल लेती हूँ। कुछ और रिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी छोले के साथ प्याज का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत उम्दा माना जाता है, मुझे बेहद पसंद है। साथ में हमारा जो इंडियन कुजीन बिना हरे धनिए के, और वैसे भी वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कहते हैं डाइजेशन बहुत इम्प्रूव करता है। सो हरा धनिया बहुत ज़रूरी होता है हमारी हर चीज़ में, ऊपर गार्निश के लिए भी और थोड़ा टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी। और
इसीलिए हमने धनिया पकाते टाइम भी डाला था क्योंकि उसका एक अलग ही स्वाद होता है। साथ में मैंने एक छोटा सा गुलाब का फूल बनाया हुआ है, टमाटर का फूल बनाया हुआ है जो गुलाब की तरह दिखता है। तो दिस इज नाउ रेडी एंड संजीव कपूर साहब ये आपके लिए है, सारांज गोयला साहब ये भी आपके लिए है, और एक्चुअली स्पीकिंग ये मेरे लिए है, ये मेरी एंट्री है IDC के लिए, और मैं इंडिया डिजिटल शेफ में सिलेक्ट होना चाहती हूँ। कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, दैट्स ऑयलेस छोलास फॉर यू। थैंक यू, डन, आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई स्पोक।